बड़वानी शहर के दशहरा मैदान पर पाड़े के दंगल का आयोजन किया गया। इसमें नगर के समाजजनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ पर लोग वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। दीपावली के बाद पड़वा पर इस वर्ष भी शहर में दशहरा मैदान में पाड़ों के दंगल हुआ। धनगर समाज के पाड़ों के दंगल की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। आज के दिन लोग पशुधन को साज सज्जा कर मुख्य बाजार में लेकर गुजरते हैं। धनगर समाज अपने पाड़ों को जोर आजमाइश के लिए दंगल का भी आयोजन रखते हैं, जिसमें दो पाड़ों का आमने सामने मुकाबला होता है। समाज के लोग कहते हैं कि ऐसे आपस में मिलना भी नहीं हो पाता, लेकिन इस दंगल के बहाने सब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। दंगल को लेकर पाड़ों की विशेष तौर पर साज सज्जा की जाती है, जिसे देखने बड़ी संख्या में हर वर्ष लोग एकत्रित होते हैं और इस दंगल को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आता है। बड़वानी से अतुल कुमाउत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष यादव। यादव जी कहाँ रहते हो आप? यहाँ बारून मोहल्ला चौराहे पे रहता हूँ। क्या काम करते हो? ये जानवरों का काम करते हैं। कितने जानवर है आपको? करीब 80-90 जानवर के लगभग हैं। आज क्या विशेष है यहाँ? आज विशेष ये है कि पड़वा का महत्व हम इस तरह मनाते हैं और सब भाई लोग मिलनसार हो जाती है। उसके बाद सब आनंद मज मस्ती में कार्यक्रम रखते हैं दीपावली का, और पड़वा पे हम बहुत अच्छी तरह से सबका मिलन जुलन हो जाता है। सब लोग इकट्ठे होते हैं, अपने अपने जानवर लेके आते हैं। पाड़ा दंगल भी होता है? हाँ, स्वेच्छा से पाड़ा दंगल भी करते हैं। पड़वा का पर्व रहता है तो खुशी के उसमें पाड़ा दंगल भी होता है, उसको मनाते और अच्छी तरह से धूमधाम से। कब से ये परंपरा चलती है? तो वर्षों हो गए हैं परंपरा से, पुरानी बहुत परंपरा, आज से 100 साल के लगभग से चली आ रही। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।